मैं डॉक्टर सी एल महावर BA फर्स्ट ईयर के छात्राओं को हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का साठोत्तरी कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। साठोत्तरी कविता का तात्पर्य है 1960 के बाद आज तक की जो कविता हैं उसे साठोत्तरी कविता कहा जाता है। साठोत्तर का मतलब सन 1960 के बाद की कविता। इसमें आस्थामूलक, निषेधात्मूलक, संघर्षमूलक ये विभाजित किया गया था। यानी इस काल की जो कविता थी साठोत्तरी कविता में निषेधामूलक, संघर्षमूलक एवं आस्थामूलक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसको तीन भागों में बांटा गया था। यानी साठ के बाद जो कविता थी उनको तीन भागों में बांटा गया, निषेधमूलक, संघर्षमूलक और आस्थामूलक। अब इसमें से अपन ने आस्थामूलक की बात कर ली थी, हम करते हैं निषेधात्मूलक। निषेधात् का मतलब निषेध। अब किसका निषेध? जो काव्य कर लेते थे उस कविता के अंतर्गत, जिसको निषेध समझ लिया था कि इस पर कविता नहीं की जा सकती थी, ये कविता के लायक नहीं है, ये कविता का विषय नहीं है, तो उसको निषेध कर दिया था आके इस पर कविता नहीं हो सकती है, तो निषेध मूलक हो गया। तो इस काल के साठोत्तर काल के जो कवि थे उन्होंने उन विषयों को चुना जिनको निषेध कर दिया गया था। निषेध मूलक वर्ग के काव्य आंदोलनों में परंपरागत नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों का निषेध एवं व्यक्तिवाद, नग्न यौनवाद, भोगवाद को प्राथमिकता दी गई। यानी जो परंपरा से जुड़े आ रहे थे, परंपरा के अनुसार जो कविता करते थे, परंपरा के जो नियम थे, कानून थे, नियमानुसार जो कविता की जाती थी, काव्य रचना की जाती थी, उन सब का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। जीवन मूल्यों को भी, अब क्योंकि जीवन मूल्य भी थोड़ा सा बदलाव आया था, तो इस प्रकार से उन व्यक्तियों ने इस काल के जो साठ के काल की कविता थे, करने वाले कवि थे, उन्होंने नए आयामों को स्थापित करने की कोशिश करी। और वो थे व्यक्तिवाद, यानी व्यक्ति स्वयं की अपना व्यक्तित्व। नग्न यौनवाद, नग्न अर्थात खुला यौनवाद की बात करें, क्योंकि आजकल आप देखें अगर तो काफ़ी कुछ, यानी साफ साफ कविता के माध्यम से बताया गया था। भोगवाद, भोग की बात करें, जो योग भोग जो भोगवाद की बात करें तो भोग की भी जो वस्तुएं हैं, भोग विलास की, उनको प्राथमिकता इस काल के कवियों ने दी है। और उन विषयों के ऊपर जिनको परंपरा के अनुसार जो कविता करने आए थे, जो कवि थे, उनका उन्होंने विरोध करके इस आधुनिक समय के अनुसार इन विषय वस्तुओं को चुन करके उन्होंने काव्य रचना की। संघर्षमूलक वर्ग के कविताओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के प्रतिरोध, असंतोष एवं संघर्ष की सजग भावना है। यानी इस संघर्षमूलक कविता के अंदर समाज की, सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिरोध, असंतोष व्यक्त किया। रोष इनके मन में था, गुस्सा था, एक आक्रोश था। असंतोष एवं संघर्ष की सजग भावनाएं थी। असंतोष था और मन के अंदर लोगों के पास संघर्ष की भावना था कि हम नहीं इसके प्रति ऐसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए। इसलिए इस विषय पर डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश का एक कथन दृष्टव्य है, विशेष रूप से कि वस्तुतः नवगीत, अगीत, नई कविता और अकविता आदि अभिधान देकर हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी कविता उस कविता से भिन्न है इसे पहले गीत, प्रगीत या कविता कहा जाता था। यह तथ्य अधिक उलझनपूर्ण भी नहीं है। अतः अगीत, नवगीत या अकविता, सकविता का झगड़ा उठाना व्यर्थ है। कविता, अकविता, गीत, नवगीत, अगीत, इनका जो झगड़ा की बात है, झगड़ेपन की बात है, उनको उठा दो, ये बेकार की बात है। और नई गीत है, नई कविता है, अकविता, ये सब मिला करके आपस में एक दूसरे को उलझाने की बात कही गई, लेकिन ये सब चीज़ इनसे ऊपर उठ करके काव्य करने की समझ है, सोच है।
इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी इन्होंने नकारा। क्यों? आखिर ये जो व्यवस्थाएं, ये बंधन हैं, उसमें भी कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने का इन्होंने संघर्ष किया। इस प्रकार से जो आधुनिक काल की जो कविता थी, साठ के बाद की जो कविता थी, उसमें संघर्षमूलक कविता थी, उसमें इस काल के जो कवि थे उन्होंने कविता की, वो पुरानी जो प्राचीन परंपरा का जो परंपरागत तरीका था उसका विरोध किया, और नया जो आगमन था, नई कविता थी, नए जो आयाम थे उनको स्थापित करने की उन्होंने कोशिश करी। धन्यवाद।